प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ओय लुत लुत त्राव क्याज छी अम जवानी हुद मचर यल गसक आत्मज वच मसमल तु बुलबुल बेकरार ओई नीच क्रूर। ये क्रूर संसार फानी है, इसमें पैदा होने का कोई मतलब नहीं है। शम्स फकीर का ये गीत कश्मीर के गुजरे दिनों को बयान करता है। 1990 में लसकौल दूरदर्शन स्टेशन डायरेक्टर को उस वक्त मार डाला गया जब वो अपने बूढ़े पिता से मिलने घर आ रहे थे। उन्हें आतंकवादियों ने अपनी गोलियों का शिकार बना दिया। लसजन में मीर मुस्तफा का हिजबुल मुजाहिदीन ने अपहरण कर लिया। उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके नाखून और आंखें निकाल ली गईं, अंत में उन्हें फांसी दे दी गई। लासा कौल और मीर मुस्तफा दोस्त थे। दोनों की जिंदगी के आखिरी पल कुछ मिलते जुलते हैं। दोनों ही भारत के लिए लड़ते हुए आतंकवादियों का शिकार बने। लासा कौल ने अपनी पेशेवर जिंदगी ऑल इंडिया रेडियो के साथ शुरू की। वे बहुत ही नरम मिजाज और शरीफ इंसान थे। जब उन्हें रेडियो कश्मीर में युवावाणी का चीफ प्रोड्यूसर बनाया गया तो उन्होंने कश्मीरी नौजवानों को इतना प्रोत्साहित किया कि वे उनके मार्गदर्शक बन बैठे। उस वक्त और उस माहौल में कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इस नरम मिजाज इंसान के इरादे लोहे के होंगे। वादी में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो उन्हें श्रीनगर दूरदर्शन का स्टेशन डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने खबरों में आतंकवादियों की घिनौनी हरकतों का प्रचार किया। उन्हें चेतावनियां मिली, धमकियां मिली, लेकिन वो हिले नहीं। मीर मुस्तफा उन सियासतदानों में से एक थे जो भारत और भारत की जमहूरियत से बड़े प्रभावित थे। जब कश्मीर की सियासत चुप थी तब मीर मुस्तफा ने भारत के पक्ष में आवाज उठाई। हिजबुल मुजाहिदीन ने उनका अपहरण किया और उन्हें शारीरिक यातना दी और बाद में उन्हें फांसी पर लटका दिया। आतंकवादियों के अत्याचार यहीं तक सीमित नहीं थे। विदेशी पर्यटकों का अपहरण और उनकी हत्या, स्कूल जाते बच्चों पर तेजाब फेंकना और किसी को मुखबिर कहकर उसका गला काट देना। कश्मीर में अपहरण का यह सिलसिला काफी पुराना है। यह आतंकवादियों के हाथ में एक ऐसा हथियार था जिसके बल पर ये लोग फिरौतियों की शक्ल में भारी रकम वसूलते हैं। इसके अलावा जेलों में बंद अपने साथियों की रिहाई या कोई अन्य मांग पूरी करवा लेते हैं। अपहरण सिर्फ भारतीय नागरिकों का ही नहीं बल्कि विदेशियों का भी किया गया है। ये वो जगह है जहां से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 5 विदेशियों का अपहरण कर लिया था। उनकी पत्नियों, बच्चों, बहनों और माओं ने बार बार उन्हें छोड़ देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादी गुट हरकत उल अंसार ने उनकी आवाज नहीं सुनी। This is very hard for me, but I just want to say how worried I am about Paul and the other hostages. We have no quarrel with the people of Kashmir or Islam, so I appeal to the people holding our loved ones to please let them go. We only came here as tourists to
to see this beautiful place. And we've made many friends among the Kashmiris. And we're treated with great kindness. So I'm very sad about this happening. Please let Donald go. His family and I love him very much. In the name of God, please let our loved ones go. मार काट का ये सिलसिला हर जगह जारी है, न केवल कश्मीर घाटी में बल्कि राजौरी और पुंछ को भी आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हम दोनों सोए थे और जो तीन बंदे बाहरों आए थे वो बोलने लगे दरवाजा खोलो। हमने बोला नहीं दरवाजा नहीं खोलेंगे। उन्होंने बोला खोलो दरवाजा। हमने बोला नहीं दरवाजा नहीं खोलेंगे। उन्होंने फिर बाहर से गोलियां निकाली, उनको मार दिया, फिर दरवाजा तोड़कर अंदर आए, मार कर चले गए। मेरा भाई मजदूरी करता था, वो मिलिटेंटों ने मार दिया। कितने मिलिटेंट? वो जो सामने आए थे वो तीन थे, घर पे थे। और फिर कौन आए? मिलिटेंट आए थे। कितने थे? तीन थे। और अंदर आके क्या किया? मार दिया। आप कहाँ थे? मैं उधर ही खड़ी थी उसके पास। आपको क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा। और आपके सामने? सामने ये सब हुआ। वो हमारी गन थी ना, वो भी लेकर चलेगी। पति मेरे को मार डाला मिलिटेंटों ने। रात को घर आके एक औरत थी, साथ बच्चा था 9 महीने का, तीनों को मार डाला। क्रूट समसा। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीरी महिलाओं पर तरह तरह के जुल्म ढाए, उनका बलात्कार किया गया। आतंकवादियों ने कश्मीरी महिलाओं पर अपना अंकुश इसलिए भी लगाना चाहा क्योंकि कश्मीरी औरतें जमाने के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थीं। आतंकवादी उन्हें अपनी राह में रोड़ा समझने लगे थे और सन 1991 में आतंकवादियों ने कश्मीरी औरतों पर लगाम कसने के लिए एक शाखा बनाई जिसका नाम दुख्तराने मिल्लत था। यह शाखा सीधे तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ी हुई थी। कश्मीर की तरक्की पसंद और आजाद ख्याल औरतों को इन्होंने अब दबाना शुरू कर दिया। उनके लिए बुरका पहनना अनिवार्य कर दिया गया। यह सख्त हिदायत थी कि बिना बुरके के कोई भी कश्मीरी औरत घर से बाहर कदम न रखे और इस हुक्म को न मानने पर उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जाता था। इनका मकसद औरतों में खौफ का माहौल पैदा करना था। इसके साथ ही तुख्तराने मिल्लत का दूसरा मकसद कश्मीरी औरतों की ऊंची शिक्षा पर पाबंदी भी लगाना था। दूसरी तरफ पाक अधिकृत कश्मीर में औरतें आज भी घर की चार दीवारी में सिमटी हुई हैं क्योंकि उनके सामने तरक्की के साधन नहीं है। कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए दोनों ही इलाकों की औरतों का पिछड़ा होना आतंकवादियों के लिए जरूरी है क्योंकि पढ़ी लिखी और जागरूक औरतों को दबाना या उन पर अन्याय करना मुश्किल सा है। हंदवाड़ा की एक लड़की शाहिना, उसका नाम था। पहले उसको लिया गया, एक पार्टी ने लिया, उससे बलात्कार हुआ, फिर दूसरी पार्टी ने लिया, हिजबुल मुजाहिदीन ने, उन्होंने भी यही किया। रंगरों की लड़की थी, रंग साज था, रंग करता था उसका बाप कपड़ों में, और दो तीन बहनें थी, बड़ी खूबसूरत सी बहनें। और जब इसका भाई वहाँ उसको बचाने के लिए गया कि मेरी बहन के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ये कौम लूत की औलाद जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग हासिल करके आए और पाकिस्तानी दरिंदे वो वैशी ये कौम लूत से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उसके भाई को भी नहीं बख्शा। और जब वो वापस आई उजड़ी हुई बिखरी हुई, तो कुछ महीने के बाद उसने इनसे कहा कि कोई तो मेरे साथ शादी करो, आपने मुझे बर्बाद कर दिया, कोई तो शादी करो। आप यकीन कीजिए कि हंदवाड़ा के चौक के बीच में हिजबुल मुजाहिदीन ने उस पर कोड़े बरसाए और उसका एबॉर्शन कर दिया गया। तुम्हारे चचेरे भाई का एक लड़की थी,
कोई ही शौरासी थी, वो खोल लेकर जाती थी रास्ते में, उसको पकड़ के ले गई। People don't want an illegitimate pregnancy to be reported. आमतौर से ये लोग प्राइवेट क्लिनिक्स में चले गए या क्वैक्स के पास चले गए, दायों के पास चले गए, तो उसमें कैजुअलिटीज भी उसी हद तक बढ़ गई। मैं सोपोर से बारामूला ड्यूटी पे जा रही थी, मैं सर्विस भी करती थी, तो मेरे साथ एक लेडी बैठ गई बुरका लगा के, तो मुझे आस्था से कहती है, आपने सुना? मैंने कहा क्या? अगर आप वापसी पर आपके मुंह पर बुरका ना हुआ तो आप ये एसिड की बोतल देखती हैं? ऐसे दबाने लगी एसिड की बोतल को। मैंने कहा क्यों? कहने लगी मैं आपके मुंह पर डाल दूंगी। मैंने उससे कहा कि आपको किसने ये कहा? कहने लगी हमारी दुख्तरान मिल्लत जो चीफ है हमारी, आसिया इंदिरा भी, उसने कहा। आप यकीन कीजिए कि मैं ऑफिस गई, मैंने कपड़ा खरीदा, दो घंटे के अंदर अंदर मैंने बुरका सिलवाया और शाम को बुरका लगा के आई। मैंने कहा खुदाया जिंदगी हमारी और उस पर हुक्मरानी कोई और करे, क्या कर सकते थे, मजबूर थे। और आज देखिए वही आसिया इंदिरा भी जब दिल्ली में होती है और जीन्स पैंट और टी शर्ट में होती है, तब उसका मजहब कहाँ था, तब उसका वो पर्दा कहाँ था? सिर्फ पैसे की बदौलत उन्होंने अपने आप को बेचा और तशद्दुद का बाजार गर्म किया और कोशिश की कि कश्मीर के लोग बर्बाद हों। मुख्तलिफ एजेंसीज थी, एक एजेंसी तो कह नहीं सकते हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज थी जिन्होंने कभी पर्दे का शोशा उन्होंने शुरू किया कि पर्दा करो नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे। एक दो दफ़ा लड़कियों पर एसिड भी फेंका गया ताकि उनको डराया जाए। जो जो हालात ख़राब हैं उसका निशाना तो खैर लेडीज़ ही बनी, बिकॉज जब भी कहीं ज्यादती होती है, जब भी कहीं कोई मरता है, तो उससे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो जाता है वो एक औरत होती है, क्योंकि वो माँ होती है, बीवी होती है, बहन होती है, जब भी कोई मरता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आप जानते नहीं हैं कि मेरे ख़्याल में हज़ारों की तादाद में हमारी जो लड़कियां हैं बहुत छोटी छोटी 19 साल 20 साल 22 23 24 साल की उम्र में वो जो है विडोज़ हो गई हैं, बेवाएँ हो गई हैं। प्रेजिडिस्ट ने ये कहा कि बिल्कुल पर्दा करना है, बाहर नहीं जाना, भुरका तो थोड़ी देर तो बहुत तय किस्म का हो गया, लेकिन उसके बाद लड़कियों ने उनसे कहा कि अगर आपने ये करना तो आप ही अपना कीजिए, आपको तो बड़े अपने सारे ये फॉरेन ये जीन्स और सब कुछ पहना है, शूज़ ये भी उतारो, दाढ़ी रखो सारा, तब हम नहीं करेंगे, छोड़ दिया। आपको ताज्जुब होगा ये सुन के कि औरतें इतना ज़्यादा नहीं डरती हैं जितना मर्द डरते हैं। यहाँ औरतें निकलती हैं बाहर अगर कोई आए मिलने के लिए, पहले औरतें जाके देखती हैं कौन है, अगर वो देखती हैं कि नहीं सेफ है तब अंदर जाके वो मर्दों को कहती हैं कि आप जाइए और मिलिए। औरतों में वो हिम्मत है और औरतों ने इन सालों में बहुत हिम्मत दिखाई है। आतंकवाद के इन 10 सालों में कश्मीरी औरतों ने जुल्म और आतंक का मुकाबला तो ज़रूर किया, लेकिन उन पर और आम कश्मीरी पर जो गुजरी है उसे सुधारने में बहुत समय लगेगा। घर के घर, पुल, स्कूल, फैक्ट्रियाँ, क्या कुछ इन्होंने बर्बाद नहीं किया, और शायद ही कोई ऐसा घर हो कश्मीर में जिसने कोई अपना ना खोया हो। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 10 सालों में 10,000 करोड़ रुपए की बर्बादी हुई और लगभग 50,000 कश्मीरी मारे जा चुके हैं। आतंकवाद के कारण कश्मीर की हालत खराब हो गई। कश्मीर में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया पर्यटन यानी टूरिज्म खत्म हो गया और लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। हाउस बोट और शिकारे खाली हो गए। घर, अस्पताल और स्कूल तोड़ डाले गए। कश्मीर में ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां आतंकवादियों ने अपने निशान न छोड़े हों। इन 7-8 सालों में आपको अंदाजा नहीं होगा कि ऐसा कोई घर नहीं है कश्मीर में जिस घर को कोई न कोई तकलीफ पहुंचा हो, या तो उस घर का कोई बेटा मरा है, या तो उस घर का कोई बूढ़ा मरा है, या तो उसमें कोई बेवा है, या तो कोई यतीम है कोई वहाँ पर, या तो उनका घर ही नहीं है, घर जल गया है, या
किसी और किस्म का तकलीफ उनको पहुंचा हो, ऐसा कोई घर नहीं है जिस जो किसी न किसी तरीके से इस तबाही का शिकार नहीं हुआ है। जो कुछ भी इन 10 सालों में हुआ है, यहाँ तकरीबन 50 से 60, 60 से 70 हज़ार, कुछ फिगर कहते हैं 70 हज़ार, कुछ 50 कहते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं, कहते हैं कि कुछ 50 हज़ार लोग मारे गए, कुछ कहते हैं कि 60 हज़ार मारे गए, अभी लोग कुछ है जो 80 हज़ार तक भी इसको ले जाते हैं। अब फैक्ट क्या है, मैं वो मतलब जिम्मेदारी के साथ ऐसी बात नहीं कहूँगा कि कितनी हैं, लेकिन हैं, इन थाउजेंड्स हैं। पहली बार हमारी तबारीख में एक भरोसे की जो बात थी वो भी टूट चुकी, और खौफ ने हर सतह पर जगह ले ली, और कोई भी इंडिविजुअल चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या आम शहरी भी अपने आप को महफूज तस्वूर नहीं करता था। वो चल रहे थे, चलते चलते उन्हें ख्याल आया कि कोई चीज़ भूल गए हैं वो घर में, तो वो तेज़ तेज़ भागने लगे, तो पीछे वो देखते हैं कि और भी भाग रहे हैं, तो वो रुके और उन्होंने पूछा तुम क्यों भाग रहे हो, उन्होंने कहा आपको हमने भागते जब देखा, हमने सोचा कुछ हो गया है, इसलिए हमने भी भागना शुरू किया। आम तौर पर वो खौफ और दहशत हर किसी जगह हायल रहा लोगों में, तालीम में या बाकी कहीं काम करने जाएं तो पहले डर लगता है, पता नहीं काम करने जाएं शाम को वापस घर लौटें कि नहीं, या घर में चीज़ें 10 रखी हैं शाम को होंगी कि नहीं, या घर खड़ा है शाम को होगा कि नहीं। तो ज़ाहिर है जब लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पर इस कदर ठोकर लगे तो उसके काफ़ी कुछ असरात हो सकते हैं। पिछले 8-9 साल से जो बिल्कुल सारा डेवलपमेंट ठप हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, उस वजह से इतनी जब तरक्की नहीं होगी तो आपको जॉब्स कहाँ से मिलेंगे। मगर उसके अलावा आप देखिए कि आप आपके पास क्या करने को है दिन को, अगर आप जॉब भी करते हैं तो शाम को आप थोड़ा सा घूमना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो कश्मीर के खासकर गांव में शाम को 5-6 बजे के बाद आपको घर के अंदर बैठना है। यहाँ भी वही हो रहा है, वही प्रोसेस है, यहाँ जुल्म सितम की प्रोसेस है, लोगों को मार रहे हैं, हमारे बहनों और बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, मेरी बहनों और भाइयों को, ये भी अब इधर ही नहीं अब जम्मू में भी ये फैल गया। सच्चाई तो ये है कि इस हालत के पैदा होने के वजूहात बहुत ही नाखुशगवार हैं, इंसानियत सोज हरकत हुई हैं, सिवा जान मारने के खून रेजी के सिवा कुछ हासिल किया ही नहीं, बर्बादी, अपना घर जला दिया और देखते रह गए। 10 साल तक जो तबाही हुई वो आपके सामने है, सारी दुनिया के सामने है, हजारों सैकड़ों नौजवान मारे गए, कुछ गुनाहगार थे कुछ बेगुना भी मारे गए, माशी तौर पर रियासत तबाह हो गई, माली तौर पर बर्बाद हो गए, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर 50 साल तक बनाया था वो पुल जलाए, स्कूल जलाए, हजारों की तादाद में सरकारी इमारात को नुकसान पहुंचाया। 8-9 साल में हर एक चीज़ तबाह हो चुका था, चाहे वो स्कूल हो, या तो जलाया गया था या तो ब्लास्ट हुआ था, ब्रिजेस हो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, हॉस्पिटल्स बहुत जगहों पे वो भी ख़त्म हो गए थे, सड़कों का नाम ही नहीं रहा था, कहीं पे नामो निशान नहीं है। कश्मीर में चरारे शरीफ को वही दर्जा हासिल है जो अजमेर शरीफ का है। कश्मीर में इन स्थानों को श्रद्धा की नजर से देखा जाता है क्योंकि कश्मीर में इस्लाम की शुरुआत इन्हीं स्थानों से हुई, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों को इन पवित्र स्थानों पर यकीन नहीं था। सन 1994 के आखिर में आतंकवादियों का एक कट्टर सरगना मस्त गुट अपने साथियों समेत चरारे शरीफ में देखा गया। मस्तगुल की ट्रेनिंग अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हुई। खबर पाकर पुलिस ने चरारे शरीफ को चारों तरफ से घेर लिया। भागने का रास्ता न देख मस्तगुल ने चरारे शरीफ को ही आग लगा दी। ये केवल पहली घटना नहीं थी बल्कि हजरत बल में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इससे पहले कि आतंकवादी यहां कोई नुकसान पहुंचा पाते
सेना ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। हजरत बल की श्राइन का आप जिक्र करें चाहे चरारे शरीफ का करें, ये सिर्फ यही दिखाई ये यहाँ से सबूत मिलता है कि किस हद तक किस कमींगी तक ये लोग जा सकते हैं अपना मकसद पूरा करने के लिए। और जो कश्मीर के सबसे रिवियर्ड श्राइन्स हैं, सबसे ज़्यादा जिनकी मानता है लोगों में, उनको भी इस काम के लिए यूज़ करने से गुरेज नहीं करते। इतने सालों तक आतंकवाद को झेलते हुए कश्मीरियों के ज़हनी हालात में काफ़ी तब्दीली आई है। वे तमाम तरह के मानसिक रोगों का शिकार हो गए हैं। इस घुटन भरे माहौल ने आम कश्मीरी को जिंदगी से बेजार कर दिया था। आतंकवाद के इन 10 सालों ने कश्मीर के बच्चों पर बेहद बुरा असर डाला। इस दौरान पैदा हुए और पले बड़े बच्चों ने आंख खोलते ही अपने आप को दहशत और घुटन भरे माहौल में ही पाया। अपने बचपन के उस नाजुक दौर में उन्होंने सिर्फ गोलियों की ही आवाज सुनी। इस माहौल का असर उनके दिलो दिमाग पर भी पड़ा और उनके हाथों में आम खिलौनों की बजाय टॉय गन आ गई। पिछले 10-8 साल के जो हालात यहाँ पर रहे काफ़ी परेशान कुन रहे हर किसी शहरी के लिए, और इसके ख़ास असरात इस काफ़ी हद तक हुए लोगों के जहन पर। हमने पिछले साल एक सर्वे लिया था मेडिकल कॉलेज में, एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में हमारे कोई 2200 बेड्स हैं मेडिकल कॉलेज, जिसमें हमारे कोई 100 बेड्स पर मुश्तमिल दिमागी अमराज का हॉस्पिटल भी है। वहाँ हमने देखा कि 89 के मुकाबले में गुज़श्ता साल 97 में सिर्फ 8 साल में कोई 10 गुना इजाफा हुआ है इंडोर और आउटडोर दोनों अटेंडेंस में, यानी तकरीबन 1000%, जो एक ही बहुत ही भयानक परसेंटेज है। मिलिटेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ये दिल की बीमारी वहाँ पैदा हो गई है औरतों में, और जो नौजवान हैं उनके लिए जो दिमागी फ्रस्ट्रेशन की वजह से दिमागी मरीज हो गए हैं, बहुत सारे केसेस मिलेंगे ऐसे। जो बच्चे गुज़श्ता 8-10 बरस में पैदा हुए, उन्होंने बम और गोली के बगैर तो कुछ देखा नहीं। हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, अच्छे दिन भी देखे, अच्छी जगह भी देखी। हमारे बच्चे श्रीनगर में पैदा हुए, श्रीनगर से बाहर जा नहीं सके, उन्हें मालूम ही नहीं पहलगाम गुलमर्ग सोनमर्ग वगैरह क्या है, देखें तो देखें टीवी पर शाम को, हकीकत उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, अभी वो वहाँ जा भी नहीं सके। तो एक गुठा गुठा सा माहौल रहा उनके लिए, तो ज़रा सी सदा सुनी तो घबरा गए, क्या हुआ। पुराने ज़माने में बच्चों के खिलौने, छोटी छोटी गाड़ियाँ, लड़कियों के वास्ते डॉल्स और ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें हुआ करती थी। आज बच्चों के खिलौने जो हैं वो बचपन से ही टॉय गन्स ढूंढते हैं, और ये एक माहौल में एक जो तब्दीली आई है, सोच में जो तब्दीली आई है हर एक के जहन में, हमेशा एक सेल्फ डिफेंस की बात रहती है। काफ़ी डर रहा उन बच्चों में, सहमे रहते हैं, आपने देखे ही होंगे चेहरे यहाँ बड़े उदास उदास से लटके चेहरे होते हैं, जो यहाँ पर नहीं, यहाँ का चेहरा वो नहीं था, हशाश बशाश चेहरा हुआ करता था, बच्चे खेलते कूदते रहते थे। अब आप देखेंगे ऐसी भी बात नहीं, अगर चाहे अब कुछ कुछ बाहर निकलने लगे हैं, तहाँ वो बात नहीं है जो 89 या 90 से पहले की थी। برٹ کر چین سن ملے کن پکن تر تھے کر بروٹ پکن
اڈس کرم زھ کر آکہ برو پکن ترے تھے کر آکہ ملی کن پکن برو کر زمین برو جاموار کا کام بہت پرانا ہے 200 سال 300 سال پرانا ہے یہ اس کی تانی پہلے بنتی ہے پھر کھڑی پر لگاتے ہیں پھر اس کے دو کاریگر بیٹھتے ہیں اس پر پھر اس کی تعلیم ہوتی ہے جس طرح یہ تعلیم ہے میرے ہاتھ میں تو وہ پڑھی جاتی ہے اور دو کاریگر بیٹھتے ہیں اس کو بنتے ہیں ہم تو دن میں کماتے ہیں 30 روپے 8 گھنٹے میں کتنے گھر میں کتنے بچے ہیں کتنا بڑا خاندان ہے 6 بچے ہیں سر 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے اور بیوی ہے گزارا کیسے ہوتا ہے کچھ گزارا نہیں ہوتا ہے پرمپراگت ہست شلپ برباد ہو گیا آتنکوادیوں نے کشمیر میں منورنجن کے سبھی سادھنوں پر روک لگا دی اس طرح دھیرے دھیرے پاکستان کشمیر کو برباد کرنے میں لگا رہا گو ابلیسس کی برتیت کور ذات پاکن سومر کار لچ بدن سجدان حسر کیا پچھلے 9 سال میں بالکل کشمیر میں بند رہا اور لط لط تراو کیا ام جوانی ہند مچر یل گسک ات مز وچھ مسمل تو بلبل بے قرار ہونی چھ کروٹ سمسار کیا کرنے آئی لگیو